नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है और डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट एक स्टेरॉयड दवा है जिसका उपयोग एलर्जी, बहुत प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरायसिस और त्वचा पर खुजली होने पर आदि कंडीशंस में डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नजला होने पर, अस्थमा होने पर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर भी डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट 1 mg, 6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg और 30 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं तो डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डॉक्टर आपको डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को केवल 1 या 2 सप्ताह के लिए लेने की सलाह देता है तो साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी कम ही होता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द, पेट में बेचैनी, घबराहट और स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है व डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीर में थकान होना, भूख का बढ़ना, वजन का बढ़ना व नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। लंबे समय तक डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को लेने से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन पहले से ही है तो डिफ्लाजाकोरट टैबलेट उस इन्फेक्शन को ज्यादा गंभीर बना सकती है। लंबे समय तक डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का सेवन करने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है और हल्के से प्रेशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है और डायबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का सेवन करने से आँखों में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है जिसकी वजह से आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। लंबे समय तक डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का सेवन करने से शरीर की त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा पतली होने की वजह से त्वचा में दरारें पड़ सकती है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है और शरीर में सोडियम का लेवल अधिक हो सकता है और पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से गर्दन, चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से फैट का जमाव हो सकता है जिसकी वजह से चेहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चेहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है।
डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टीबी होने पर, डायबिटीज होने पर, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होने पर, थायराइड की बीमारी होने पर, पेट में अल्सर होने पर, किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर और मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर आदि कंडीशंस में डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। डिफ्लाजाकोरट टैबलेट की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे दूध और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए, या आप कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलों, सब्जियों व सलाद का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डिफ्लाजाकोरट टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डिफ्लाजाकोरट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डिफ्लाजाकोरट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।